दोस्तों पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, जी हाँ, पर आज हम बात करेंगे IIFL बिजनेस लोन के बारे में। जी हाँ, आप बिजनेस करते हो, आपके पास शॉप है, बिजनेस ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, तो आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ। रजिस्ट्रेशन प्रूफ में क्या क्या होता है? GST, गुमास्ता धारा, फूड लाइसेंस, IEC कोड, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए जो ऑनलाइन ट्रैक कर सके, और आपका 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट। एक कंपनी जो है IIFL, ये ज़्यादातर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसी बेस पे ही फंडिंग देता है। पहले तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, अगर क्रेडिट स्कोर 700 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबिलिटी हो। दूसरी चीज़ कि जब आप एलिजिबिलिटी होगे, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का। वहाँ पे आपको बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का PDF फाइल, जो हम ऑनलाइन बैंक से डाउनलोड करते हैं, वो PDF फाइल अपलोड करना है, और उसी बेसिस पे आपको फंड दिया जाता है कि कितनी लोन अप्रूव है। क्योंकि एवरेज बैंक बैलेंस है, उसके साथ साथ आपका हर महीने डेबिट और क्रेडिट की एंट्री ऑटो एनालिसिस होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, कस्टमर हमको सवाल करते हैं कि मेरा बैंक स्टेटमेंट में तो 50,000 रुपये बैलेंस है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, अगर हर महीने में मिनिमम 2 से 3 एंट्री डेबिट की और 2-3 एंट्री क्रेडिट की होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन है? क्योंकि आप बिजनेस करते हो तो ट्रांजेक्शन तो कुछ होगा ना, इसीलिए रिजेक्ट होता है। तो ऐसे बहुत पैरामीटर्स होते हैं। उसके अलावा कोई आपका ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, आपने कोई EMI पे बाउंस किया हुआ है, कोई मेंटेनेंस चार्ज लगा हुआ है बैंक का, ऐसे कोई भी बहुत सारे रीज़न है जो आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसी रीज़न से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स है। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात। जी हाँ, अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ायदे की बात करें तो सबसे फ़ायदा है कि आपके पास कोई रिटर्न नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो भी ले सकते हो। जी हाँ, उसके साथ आपके पास कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, आपके नाम पर कोई लोयरा बिल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ऑनरशिप का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, ये दोनों बेनिफिट्स है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दो पे ही आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न मिस हो गया है या नहीं है, और दूसरा कि आपके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लोन अमाउंट जो है 1,00,000 से 30,00,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस लोन में, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, उसमें अगर आपको सैलरीड पर्सन हो, आपके सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है 10,000 से ज़्यादा पिछले 6 महीने से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके मंगवा सकते हो। तो ये था IIFL पर्सनल लोन के बारे में। ये 100% डिजिटल प्रोसेस है, ना कोई उसमें आपको ब्रांच पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ना कोई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स किसी को देना है, तो पूरा डिजिटल प्रोसेस है। तो आज ही अपना अप्लाई करें लोन के लिए। अगर आपको लोन के लिए रिक्वायरमेंट है तो आज ही अप्लाई करें। अगर दोस्तों उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंपनियाँ है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ है, GST है बिजनेस करते हो तो आप उसके अलावा NDFI है, लेंडिंग कार्ड है, IDFC है, आदित्य बिल्ला, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ जो हम करते हैं, तो उसके लिए भी हम कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है 20,000 से ज़्यादा और क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन के लिए। उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वो पर्सनल लोन की बात करें, IDFC है, पेशेंस है, आदित्य बिल्ला, HDFC, एक्सिस, ऐसे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, कोई कंपनी में अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर का ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने फ्रेश केस है, कहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ही हमारा कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर जब हम अप्लाई करेंगे
उसी टाइम पे आपको एग्जिस्टिंग फाइल आएगा, मतलब कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। चाहे भले आपने प्रोसेस अधूरा छोड़ा हो या प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया हो, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। आपका एक बार मोबाइल नंबर या पान नंबर कंपनी में चला गया, मतलब कि आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है एप्लीकेशन से या ऑनलाइन से, तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर का कॉन्टेक्ट करके ही कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो। हम तो सिर्फ फ्रेश केस जो आपने अप्लाई नहीं किया है उसके लिए ही हम मदद कर सकते हैं। तो ये था जनरल रूल्स और गाइडलाइंस। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद।